आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी हेल्दी मसाला फ्राइडली। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। मसाला फ्राइडली बनाने के लिए मैंने इडली को पहले ही बना लिया है, इसकी वीडियो की लिंक मैं नीचे आप लोगों को दे दूंगी। अब हम इडली को 4 पीस में कट कर लेंगे। ऐसे ही हम सारी इडली कट कर लेंगे। ये मैंने सभी इडली कट कर ली है, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। इडली फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल को गर्म होने देंगे। अब इसमें हम 1 छोटी चम्मच राई ऐड कर देंगे। राई अच्छे से चटक गई है। अब इसमें 15-20 करी पत्ते ऐड कर देंगे। अब इसमें हम कटी हुई 1 हरी मिर्च ऐड कर देंगे और महीन कटा हुआ लहसुन ऐड कर देंगे। कटा हुआ प्याज भी ऐड कर देंगे और इन सबको भून लेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे। 1 पिंच हींग, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम इडली ऐड कर देंगे। अब इसमें हम 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। थोड़ा ही करेंगे क्योंकि मैंने इडली में भी नमक ऐड कर दिया था। अब इसमें हम थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया ऐड कर देंगे। और इडली को अच्छे से टॉस कर लेंगे। इडली फ्राई हो चुकी है। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता है, इसे आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं। अब हम इन्हें 1 प्लेट में सर्व कर लेंगे। मसाला फ्राई इडली तैयार है। इन्हें आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इडली का वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।